वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th एनसीईआरटी आरबीएसई और भी यूपी बिहार की जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली फर्स्ट सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रश्नावली 3.3। ठीक है, तो 3.2 तक सारे प्रश्न एक एक प्रश्न मैंने हल किए हुए हैं, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3, तो इसका पहला प्रश्न जो है इसको हम पूरा यहां पर हल करने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन है आपसे कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, बाद में भूल जाते हो। ठीक है, तो भूले ना, अभी स्टार्टिंग में लाइक कर दे, है ना, और स्किप ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट में आपको बड़े प्यार से आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो चलो चालू करते हैं। देखो, जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापना विधि से आपको यह हल करना है। तो पहले आप प्रतिस्थापना विधि, ये समीकरण दिए हुए हैं 1 से लेकर 6 तक समीकरण दिए हुए हैं, इनको प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापना विधि का मतलब होता है एक समीकरण की वैल्यू को दूसरे में रखना। एक समीकरण से हमें कोई वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हम दूसरे समीकरण में उठाकर रख देंगे, ये कहलाएगा आपका प्रतिस्थापना विधि। चलो फटाफट चालू करते हैं बिना देर किए, है ना, और बिना देर के फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करो, और कहीं भी कोई डाउट लगे तो पूछा करो कमेंट के माध्यम से। x+y = 14। ठीक है, एक समीकरण आपका ये क्या, एक समीकरण आपका x - y = 4। ये दो समीकरण आपको पहले प्रश्न में दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। ठीक है, अब देखो, चाहे इसमें समीकरण आप एक पिक कर लो, ये तो आपका समीकरण एक है, ये आपका 2 है, आप किसी भी समीकरण को उठाकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो, हम पहले समीकरण 2 की बात करते हैं, समीकरण 2 से, तो x - y = 4 हम समीकरण 2 से प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। देखो, x को ये रखेंगे बराबर 4, ये माइनस का y है, जैसे कि प्लस का हो जाएगा, है ना, ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, आपका 3rd बन गया, यहां पर फर्स्ट सेकेंड है, आपका 3rd यहां पर हो गया, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x + y, ये x की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, इसी वैल्यू को हमको रखना है दूसरे समीकरण में। ठीक है, अब जो कह सकेंगे या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 पिक किया, 3rd एक्स की वैल्यू आई, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, रखो, तो x + y = 14, समीकरण 1 हमने यहां पर लिख लिया, तो x की वैल्यू क्या आई थी, 4 + y + y = 14, तो खोल दो ब्रैकेट को, 4 + y + y = 14, 4 + 1y कितने हो गए, 2y = 14। तो 2y = 14, ये प्लस का है, यहां जाके माइनस का हो जाएगा, 2y = 14 में 4 घटाएंगे तो 10 आएगा, y = 10, ये 2 यहां पर गुणा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y = 2×5=10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो y की वैल्यू भी प्राप्त हो चुकी है 5।
क्या प्राप्त हो गई, 5, ठीक है ना। अब y की वैल्यू भी क्या मिल चुकी है, 5 यहां पर प्राप्त हो चुकी है। तो अभी हमें x की वैल्यू प्रॉपर मालूम करनी है, तो क्या करेंगे देखो, तो हम कहेंगे क्या कर देता हूं मैं ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, x बराबर y प्लस 4 प्लस वाई एक्स 4, वाई का मान कितना आया था 5, तो x बराबर कितना आ गया 9। हेलो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 9, और y की वैल्यू कितनी आएगी 5, आपके पास प्राप्त हो चुकी है। तो जहां x है वहां रखेंगे 5, y है वहां रखेंगे अपन, नहीं x है 9, y है 5, 9 और 5 14 हो गया, और 9 में 5 घटाएंगे तो 4 आ गया, ठीक है। आपका इस समीकरण यहां पर सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं सर, ये सेकंड वाला, इसमें समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड आपका ये है, s माइनस t बराबर 3, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। हाँ अरे वाह, बटे में आ गया, तो डर गए, डरना नहीं है भाई साहब, डरना नहीं है, इस वीडियो को देख रहे हो, डरना नहीं है, डर का समाधान मेरे पास है, समीकरण 2 से ही करेंगे अपन, 2 से। तो s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, इनका एलसीएम निकाल के हल कर लो या तिरछा गुणा कर दो, देखो 2 गुणा है तो 2 ऐसा जाएगा, है ना, 25 जैसा लग रहा है, 25 में मान लो 22 को चक्कर पड़ जाएगा, 2 ऐसे है, 2 s 3 गुणा टी और 3 टी मानेंगे, है ना, तो 3 दूनी 6 बराबर के 6। अब यहां पर नीचे 1 लगा दो आप, है ना, और इनका तिरछा गुणा कर लो, 1 गुणा 1 करेंगे तो 2s प्लस 3t, 6 गुणा तो 36 आपके सामने आ गया। हेलो, जो बटे में संख्या थी उसको अपन ने एक सिंगल में कर लिया, है ना, बड़े आसान तरीके से किया है। चलो अब आगे करते हैं इसको, ये आपका समीकरण सेकंड था, अभी बन चुका है अच्छे से, है ना, चलो हल करते हैं। देखो देखो, अपने समीकरण 2 अपने इसको सरल किया है अभी, तो मैंने समीकरण 2 से लिखा ना, ये 2 को लिखेंगे यहां पर, 2 को सरल करने पर, सरल करने पर इस 2 को अपने सरल किया है अभी, तो सरल हो गया है, है ना, तो समीकरण 1 और समीकरण अपना 2 यहां आ चुका है। हाँ, अब एक काम कर सकते हो आप, चाहे 2 को पिक करो चाहे 1 को पिक करो, है ना, अपने काम कर, समीकरण 1 लिखते हैं की बात, समीकरण 1 से पहले वाले में 2 लिया था ना, इस वाले में 1 ले लेते हैं, चलो कोई सा ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना, समीकरण 1 लेते हैं। तो पहला था एस माइनस टी बराबर 3, है ना, तो s बराबर 3, ये माइनस का प्लस का t हो जाएगा, तो ये आपका समीकरण नंबर जो s था, s की वैल्यू भी आ गई 3 प्लस t, ये आ चुकी है, इसको समीकरण नंबर 3 यहां पर मान लेंगे, ठीक है। अब देखो, एक पिक किया है तो ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे वाले में, तो यहां लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, तो लिख 2 क्या आया था, ये रहा तो 2, है ना, s का मान क्या आया था 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर के 36। हल करो, 2
तिया छ और दो प्लस टी था दो टू टी प्लस थ्री टी इजकल टू 36। छ दो और तीन टी कितने हो गए, तीन और दो पांच टी हो गए, है ना, तीन और दो पांच टी हो गए। दो और तीन पांच टी बराबर के 36, तो 5t बराबर 36, ये प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू 30, तो t बराबर 30 गुणा या जाके इसका भाग लग जाएगा, 5 का 30, तो t कितना आ गया आपका 6 यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, t की वैल्यू कितना आ गई 6 हमें प्राप्त हो गई है। अब करना क्या है, अब जो वैल्यू प्राप्त हुई है इसको प्रतिस्थापित कर दो, समीकरण एक से लिया था ना अपन ने, और इस समय s का मान दो में रख दिया, अब दो में रखने पर t की वैल्यू आ गई। अब यहां लिखो आप, यहां कर लेते हैं, t का मान समीकरण, t का मान समीकरण तीन में रखने पर, तीन में रखने पर समीकरण तीन का ये रहा, एस बराबर थ्री प्लस टी बराबर थ्री प्लस टी का मान कितना आया था 6, एस तो एस बराबर कितना आया 6 और 3 9, तो ये आपके सामने दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, टी की वैल्यू 6 और एस की वैल्यू 9। ये सेकंड वाला भी बड़ी आसानी से यहां पर हल हो चुका है। चलो अगला देखते हैं, देखो ये समीकरण फर्स्ट है और ये आपका सेकंड हो गया थर्ड वाले का, तो यहां भी हम क्या करते हैं समीकरण दो को पिक करते हैं, तो समीकरण दो से तो 9x माइनस 3y बराबर के 9, ये हमने समीकरण दो ले लिया। अरे यहां एक काम और हो रहा है, ध्यान रखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीन कॉमन आ रहा है, तो तीन दिया 9 एक्स बचा और यह वाई बचेगा बराबर के 9, कॉमन निकाला निकालो, प्रश्न और मतलब आसान हो जाता है उससे, 3x माइनस वाई बराबर 9 ये गुणाए यहां जाके भाग हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया 9 3 आ गया। देखा जाए तो ये समीकरण आपका अच्छे से बन गया, 3x माइनस वाई बराबर के 3 तिया 9, है ना, ये आपका समीकरण बन गया, है ना। अब देखो ये वाला समीकरण और फर्स्ट वाला समीकरण मैच करो, दोनों सेम सेम है, समीकरण एक जो बनाया वो भी और ये भी दोनों क्या है बिल्कुल समान दिख रहे हैं, एक जैसे ही दिख रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं है, है ना। और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, चूंकि लिखना है आपको, हर चीज लिखना है आपको, चूंकि दोनों समीकरण, दोनों समीकरण एक ही समीकरण को प्रदर्शित करते हैं, अतः हल संभव नहीं है, दोनों ही क्या कर रहे हैं एक ही समीकरण को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए हल इसका नहीं निकल सकता, इसका हल नहीं निकल सकता, कुछ भी निकालो समीकरण एक दो दोनों सेम सेम है ना, तो ये तीसरा ए पर समाप्त हो जाता है। अब अगला देखते हैं, ये मैंने प्रश्न नंबर फर्स्ट का चौथा लिख दिया है, समीकरण फर्स्ट ये समीकरण सेकंड आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर दशमलव लगा रखे हैं
और दशमलव लगते ही विद्यार्थियों में हड़कंप मच जाता है, अरे बाप रे ये क्या आ गया, अब कैसे इसका समाधान निकालें। तो मैंने क्या कहा, मेरी वीडियो देख रहे हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज को समाधान करके ही हल कराता हूं मैं। तो एक काम करो, दशमलव से डर है दशमलव को हटा दो, दशमलव को हटाकर सरल बना देते हैं इसको। देखो कैसे बनाएंगे सरल, दशमलव के बाद क्या है, एक संख्या है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2/10 एक्स, या आप लिख सकते हो 2/10 एक्स आप लिख सकते हो। उसी प्रकार 3/10 वाई, 13/10, दशमलव के बाद यदि एक अंक है, दो अंक है दो जीरो लगाएंगे नीचे, एक अंक है एक जीरो लगाएंगे, ये आपका बन गया। देखो बहुत आसान है ना, दशमलव हटा के इसको भिन्न में बदल लिया। उसी भी का दूसरे वाले को कर लेते हैं, 4/10 एक्स प्लस 5y/10 बराबर 23/10। ये दूसरे वाले का भी हमने यहां पर समाधान निकाल लिया, हर चीज का समाधान हमारे पास है। अब देखो समीकरण जो एक है इसको अब थोड़ा सा ये निकल के आया है अभी, है ना, अब समीकरण एक नहीं कहेंगे अभी इसको, इसको अभी और भी इसको समाधान निकालते हैं, इसको और भी सरल हम यहाँ पर करके देखेंगे। जब तक बिल्कुल सरल नहीं हो जाएगा ना तब तक उसको हम हल नहीं करेंगे। तो देखो पहले अपन इसको निकाल लेते हैं जो अपन ने दशमलव हटा के बनाया है ना, इसको लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर। अब इसको और हल करते हैं। देखो इसका अपन निकालते हैं, पहले एलसीएम कितना आया, 10, 10 एकम 10 एक गुना तो 2x आ गया, 10 एकम 10 एक गुना 3 तो 3y आ गया, और इधर क्या है 13/10 है, नीचे 10 से 10 कट गया तो क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर के 13। अब आपके दिल में तसल्ली आई है कि समीकरण एक बन के आ गया, अब तो है ना आराम मिला होगा। ऐसे ही अब दो को भी निकाल लेते हैं अपन, उसे वाला जो बनाया था अपन ने, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, 4/10 एक्स प्लस 5y/10 बराबर के 23/10। जब एलसीएम 10 आया तो क्या आएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23/10, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा, 4x प्लस 5y बराबर के 23। ये आपका समीकरण सेकंड यहां पर हमने लिख दिया है। अब दोनों बिल्कुल आसान हो चुके हैं, अब कोई चीज आसान हो गई तो उसका समाधान भी आराम से निकल जाएगा। देखो समाधान में इसका इधर निकाल लेता हूं, बोर्ड को साइड में करके, है ना, हर चीज का समाधान हमारे पास है, बस धैर्य रखो। हर चीज की शिफ्टिंग करनी पड़ती है, वो बोर्ड छोटा है तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। अब समीकरण एक से, है ना, समीकरण एक लेते हैं अपन, समीकरण एक से, एक क्या आया था आपका, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये आया था, है ना, 2x को यहीं रखो बराबर 13, ये प्लस का माइनस का 3y हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर x है इसको रखो तो 13 माइनस 3y ये दो का भाग लग जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर इतनी आ चुकी है, डरना नहीं है, डर जो है थर्ड का आ चुका है। अब वही करेंगे, x का मान समीकरण यहां एक लिया था तो दो में रखने पर, तो दो क्या निकल के आया था आपके पास, 4x प्लस 5y बराबर 23, तो जहां x है वहां पर इसकी वैल्यू हम रख देंगे, 4x की वैल्यू क्या आई थी, 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर के 23, है ना,
तो देखो यहां देखो दोगुनी चार, दो बार कट गया है ना। अब गुणा कर लो, तेरह दुना छब्बीस, तो तीन दुनी छः वाई प्लस के पाँच वाई बराबर के तेईस है ना। तो छब्बीस ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, छः में पाँच के तो क्या बचा, माइनस का वाई बचा बराबर के तेईस। क्यों बचा ध्यान रखना, देखो छः में से पाँच घटाएंगे एक आएगा, एक वाई बात कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ माइनस की संख्या बढ़ी थी तो माइनस माइनस का आपका आंसर आ गया है ना। तो माइनस वाई बराबर तेईस, ये प्लस का है यहाँ जाके माइनस का छब्बीस, माइनस वाई बराबर तेईस में से छब्बीस घटेगा नहीं तो छब्बीस में तेईस घटा दो क्या आएगा, तीन, संख्या माइनस की बढ़ी तो माइनस का आंसर आएगा, माइनस से माइनस आपका कट गया तो वाई वाला क्या बचा तीन, वाई की वैल्यू कितनी आ गई तीन, या हमें प्राप्त हो चुकी है वाई की वैल्यू तीन। अब देखो अब जो वाई की वैल्यू में तीन प्राप्त हुई है उसे हम समीकरण तीन में रख देंगे है ना, थोड़ा इरेज करना ही पड़ेगा, यहां रख लेते हैं साइड। स्किप ना करें और आराम से कुछ समझ में नहीं आ रही है तो वापस वीडियो को रिवाइज कर लें एक बार। y का मान समीकरण तीन में रखने पर तो x बराबर तेरह माइनस तीन वाई बटे दो था, तो x बराबर तेरह माइनस तीन, तीन y की वैल्यू तीन बटे दो, x बराबर तेरह माइनस तीन किया नौ, तो माइनस के नौ बटे दो, एक्स बराबर तेरह में से नौ घटाओगे तो क्या आएगा चार बटे दो, एक्स बराबर दो कितना क्या, एक्स की वैल्यू दो और वाई की वैल्यू तीन, ठीक है आ चुकी। इसको भी बड़े आसान तरीके से हमने कर, दशमलव था, डर था, पर हो गया ठीक है ना। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका पांचवा लिख दिया मैंने, अब आप डर गए और डर गए आप, वर्गमूल का चिन्ह देखते ही पसीने आ गए, पसीने की आवश्यकता ही नहीं है, है ना। ये समीकरण एक है और ये आपका समीकरण दो है, तो पसीने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको ये जीरो है ना। देखो समीकरण एक लेंगे, मैं कौन सा समीकरण एक से, समीकरण एक से टू टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर के जीरो। चलो हल करते हैं इसको आसान तरीके से है ना। देखो टू एक्स बराबर जीरो, ये प्लस का यहां जाके माइनस का थ्री वाई हो जाएगा है ना। तो टू एक्स बराबर कटाएंगे तो माइनस का थ्री वाई आपके सामने यहां पर आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस के थ्री वाई बटे रूट टू, ये आपका समीकरण नंबर थर्ड यहां पर बनके आ गया है ना। अब चलो और हल करते हैं, एक्स की वैल्यू ये आ चुकी है ना, अब यहां लिखेंगे वही सेम, एक्स का मान एक लिया था ना तो दो लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर दो क्या है आपका रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई बराबर के जीरो। चलो रखो इसके अंदर किसका मान, एक्स का मान, तो रूट थ्री एक्स का मान क्या आया था माइनस के है ना रूट थ्री वाई रूट टू माइनस रूट एट वाई बराबर जीरो, ये आया था ना। चलो
हल करते हैं, समाधान आराम से करेंगे। ये सब बता रहा हूं पैसे करते जाओ, बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। देखो √3 √3 मल्टीप्लाई हो रहे, कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या बचेगा 3/√2 है ना, माइनस के 8y = 0 है ना। अब यहाँ नीचे एक लगा लो आप, इससे हमको एलसीएम निकालने में आसानी होगी। अब इनका एलसीएम निकालेंगे ना आप, तो क्या आएगा √2 आएगा। तो √2 ऊपर है, √2 नीचे है, तो √2 से √2 भाग दें, एक बार गया, एक गुना 3 करेंगे कितना आएगा 3y आ जाएगा। ठीक है, इसको किया अपन ने, है ना, इसको किया आपने, एक का भाग √2 क्या, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 2 = 16, तो √16y आ जाएगा बराबर के 0 हो जाएगा, है ना। देखो अब थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, इधर करते हैं इसका सॉल्यूशन, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे करते जाओ, बस आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या निकल गया उसको यहां लिख लेता हूं एक बार, 3y − √16y / √2 = 0 ये निकल के आया है। देखो ये माइनस है ना, 3y का 3y − √16 है ना, तो 16 का निकालेंगे कितना आएगा 4 आएगा रूट, तो 4y आ गया, ठीक है 2 = 0। अब चाहो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 3 नीचे पर लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 3y − 4y, अब इधर जाएगा गुणा होगा 0 से, तो क्या जाएगा 0 ही तो आएगा, है ना, क्या आएगा 0 ही आएगा। अब देखो ये माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, ये माइनस कैसे हो गया, तो प्लस था, ये माइनस ही था, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 × 3 = 7y किसके आएंगे माइनस के बराबर 0। तो ये 7y यहाँ गुणा हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0y − 7। अब 0 में किसी का भाग दो 0 ही आएगा, तो वही वैल्यू क्या आ गई 0 हमें प्राप्त हो चुकी है। ठीक है चलो, y की वैल्यू आ गई कितनी 0। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, थर्ड समीकरण का है आपका ये जो बन के आया था, x = −3y / √2 है ना, ये रख दिया। अब जो y की वैल्यू 0 आई थी वो रखनी है आपको, सिंपल करना ही क्या है ना। तो x बराबर देखो गुणा हो रहा है आपस में, अब y की वैल्यू मैं रखता हूं, देखो पर y की वैल्यू में रखता हूँ, देखा पर 3 × 0 है ना √2, तो x बराबर तो इससे गुणा करेंगे 0 x और 0 में √2 का भाग देंगे अपन, देखो है ना, इससे गुणा करेंगे 0 0 आएगा और 0 में √2 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहां पर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 प्राप्त हो गई, ये पांचवा हो गया। अब इसका अंतिम और है, ये भी देख लेते हैं, यह है अगला 6, फर्स्ट का 6। देखो ये है समीकरण 1 और ये समीकरण आपका 2, तो पहला काम क्या करना है, जो समीकरण 1 है आपका है ना, इसको आपको सरल करना पहले, क्योंकि ये क्या है भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो भिन्न को पहले करेंगे सरल रूप में, तो करते हैं चलो है ना, तभी आसान हो जाएगा, भिन्न देख के तो आप डर जाते हो और बाप रे के क्या नहीं, पहले इसको सरल करते हैं, −5y / 3 है ना, ये समीकरण आपका कौन सा है फर्स्ट, −2 इसको थोड़ा सरल करते हैं, सरल करने से पहले दोनों का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना है आपका 6,
दो तिया छः, तीन बार तीन तिया नौ, 9x, तीन दून छः और पाँच दूनी दस, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 9x माइनस 10 5 माइनस के दो यहाँ पर आ चुके हैं। अब एक काम करते हैं, नीचे 1 लगा दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके मल्टीप्लाई इससे होगा, अर्थात 9x माइनस 10 5 बराबर माइनस कर दो ना, तो 6 गुना माइनस के 2, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10 y बराबर 6 दुनी माइनस के 12 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये आपका समीकरण फर्स्ट अच्छे से बन गया है ना, उसी प्रकार समीकरण सेकंड को भी हम यहां पर हल करेंगे। देखो लिख लेते हैं इसको एक बार, x माइनस 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। पहले इसको हम सरल रूप में बना लेते हैं, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आया 6, 3 दूनी 6 2x प्लस 2 तिया 6 3y बराबर के 13 बटे 6। अब देखो दोनों में क्या है 6 कट गया, क्या बचा 2x माइनस 3y बराबर के 13। देखो मैंने एलसीएम निकाल के 6 एलसीएम कैसे आया, ये देखो ये तो चौथी पांचवी क्लास की बात आपको आना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछें, और कोई चीज समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइज करके वापस चेक कर लिया आ जाएगा समझ में, कोई बड़ी चीज नहीं है, है ना। ये आपका सेकंड बन गया। ठीक है, अब देखो समीकरण एक और समीकरण दो हमें प्राप्त हो चुका है। अब यहां लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से करो या दो से करो, समीकरण एक से करते हैं, एक से। ठीक है, तो समीकरण एक को यहां पर लिख लेते हैं, 9x माइनस के 10y बराबर के माइनस के 12। अब देखो यहां पर हम 9x को यहीं रख लेते हैं बराबर माइनस के 12, ये माइनस में जाके प्लस का 10y, फिर x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9, ये आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, देखो ये समीकरण आपका थर्ड यहाँ पर प्राप्त हो चुका है ना। अब ये जो x का मान है इसको उठा के समीकरण दो में हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, चलो रखते हैं, जी रखते हैं, चलो वैल्यू है ना, जो थर्ड में हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त हुई तो समीकरण सेकंड में हम ये रख देंगे। तो समीकरण सेकंड कौन सा है आपका, यहां लिखेंगे आप आराम से लिख सकते हैं कि एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो का ये रहा 2x माइनस 3y बराबर के 13, तो 2x की वैल्यू कितनी आई थी माइनस के 12 प्लस के 10y बटे के 9। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई थी माइनस का 3y बराबर के 13, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलो अब गुणा करते हैं, 2 गुणा 12 करेंगे तो क्या आएगा 12 दूना 24, किसके 24 आ गए माइनस के 24 आ गए, प्लस 10 दूआ 20 वाई, नीचे क्या आएगा 9 माइनस के 3 वही बराबर के 13। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम हल कर रहे हैं पूरा पूरा। देखो आप इसमें गड़बड़ रहेगी क्योंकि प्लस का था ना, तो ये भी प्लस का होगा ना, तो ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक का। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, अब इसके नीचे भी एक लगा दो, इसके नीचे भी आप यहाँ एक लगा सकते हो, है ना।
या आप चाहो तो दोनों का एलसीएम निकाल लो, बाद में काम में ले लेंगे। एक काम करते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं कि अभी पर इन दोनों को हम हल करते हैं, किस किस से एलसीएम मेथड से हल करते हैं। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 9 एलसीएम निकल के आएगा। 9 में 9 का भाग देंगे एक बार के, एक गुणा ऊपर करेंगे तो माइनस के 24 प्लस 20 बाई। अब यहाँ देखो, एक गुणा 9 करें 9, 9 27 बाई बराबर के 13। अब इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। एक गुणा एक करेंगे तो क्या आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के 24 प्लस 20 प्लस 27 वाई बराबर 9 का 13 करेंगे तो 13 नम्मा 117 होता है, ठीक 39 170 या आपके सामने प्राप्त हो चुका है ना। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं आराम से। देखो अरे इसका वाई कहाँ गया भाई, ये भी वाई ये भी वाई दोनों वाई आपके में जुड़ जाएंगे तो 20 और 20 40 और 47 हो गया ना, माइनस के 24 प्लस के 47 बाई बराबर के 117 ये यहाँ पर हो गया। चलो और हल करते हैं इसको आगे, ये माइनस का 24 यहाँ जाके प्लस का 24 हो जाएगा तो 47 वाई बराबर 117 प्लस के 24 तो 47 वाई बराबर 117 में से 24 को माइनस प्लस करेंगे सॉरी प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 7 4 11 2 3 4 141 में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी अब वाई को ही छोड़ देंगे बराबर 141 47 आपका बटे में आ जाएगा। जब 47 का पाड़ा बोलेंगे मतलब 141 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम पूरा पूरा भाग में चला जाएगा। तो देखो तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 3 हमें प्राप्त हो चुकी है। बस किसी एक की वैल्यू निकल जाएगी तो पूरा का पूरा यहाँ पर समाधान हो जाता है ना। चलो अब जो y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई उसको समीकरण 3 में रख देंगे ना, और समीकरण 3 का है आपका ये रहा है ना, यहाँ लिख दो आप। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ करना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो x बराबर, ठीक है y का मान रखना है आपको तो माइनस का 12 प्लस का 10 वाई है ना तो 10 y का मान क्या है 3 रख दो बटे में 9 ये हमने यहाँ पर रख दिया। चलो करो माइनस के 12 माइनस के 12 दस्तिया 30 बटे 9 है ना। चलो अब देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 30 में से 12 घटाएंगे क्या हो जाएगा आपको 18 बटे 9 है ना, प्लस की संख्या बढ़ी तो प्लस में उत्तर आ जाएगा ना, तो क्या आएगा कार्ड भाग देंगे 9 2 18 तो एक्स बार क्या क्या 2 में प्राप्त हो गया। तो y की वैल्यू आएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये लो साहब ये आपका समाधान यहाँ पर हो गया है। बड़े आसान तरीके से हमने 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन से सिर्फ 6 पार्ट्स हैं वो पूरे हमने इस वीडियो के माध्यम से कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करें सब्सक्राइब करें और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम आपके साथ लगातार लगे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पूरा सेटअप वगैरह सब कुछ करना पड़ता है कि बस आपको एक अच्छा एजुकेशन मिल जाए, अच्छी नॉलेज मिल जाए। हम आप उसके लिए बिल्कुल ही प्रयासरत हैं, लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप वीडियो को देखते हो, इसे दोस्तों के साथ शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो इसका हमें भी फायदा होता है, ठीक है। हमें फायदा होगा, हम और ज़्यादा चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।